से स्वागत है आपका मेरे चैनल सिंपली प्राची पे और मैं हूँ प्राची। तो आज की जो वीडियो है वो है बालकनी मेकओवर की। तो यहाँ पे मेरी बालकनी बहुत ही छोटी है, आई थिंक 3x5 या 3x6 की ये बालकनी है। तो मैंने इस छोटी सी बालकनी को बिना खर्च के कैसे इसका मेकओवर किया है वो देखने के लिए आप वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो ये बहुत ही बजट फ्रेंडली और रेंटल फ्रेंडली मेकओवर होने वाला है। ये जो क्लिप है वो मैं मेकओवर के पहले की आपको दिखा रही हूँ। मैं यहाँ पे वॉइस ओवर करूँगी बिकॉज मेरे पीछे कंस्ट्रक्शन का काम होते रहता है तो आपको बैकग्राउंड साउंड बहुत आएंगे, तो इसलिए मैं अभी जस्ट आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे बालकनी मेकओवर किया है। लेकिन मैं बातें जो करूँगी वो बैक ऑफ द कैमरा करूँगी। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैं इस कॉर्नर को कैसे इसका मेकओवर करने वाली हूँ। तो ये इस कॉर्नर में जो सबसे हाईलाइट होता है वो है ये पाइप। तो सबसे पहले मैं इस पाइप को हाइड करूँगी और यहाँ पे जो कुछ सामान पड़े हैं उसको मैं हटा लेती हूँ, फिर हम चलते हैं आगे। और ये जो बॉक्स है इसको मैं आगे यूज़ करने वाली हूँ, तो आप देखना किसे मैं कैसे यूज़ करती हूँ। यहाँ पे मैंने ली है ये लाइट जिससे कि मैं पाइप को छिपाऊंगी। तो ये दिवाली की बची हुई लाइट है, इसे भी मैंने ख़रीदा नहीं है। अब मैं इस लाइट को पूरे पाइप में लपेट दूंगी। अगर यहाँ पे लाइट यूज़ नहीं करना चाहते हो आप तो आप यहाँ पर मनी प्लांट लगा सकते हो, और अगर आप आर्टिफिशियल कुछ लगाना चाहते हो तो आर्टिफिशियल मनी प्लांट भी अमेजन वगैरह पे अवेलेबल होता है, तो आप वो भी लगा के इस पाइप को छिपा सकते हो। मतलब अगर आपकी बालकनी में ऐसा कोई पाइप है जो कि अच्छा नहीं लगता है देखने में तो आप इस तरीके से छिपा सकते हो इसको, लाइट या फिर मनी प्लांट, फेक मनी प्लांट के हेल्प से या फिर ओरिजिनल मनी प्लांट जो भी हो आप उससे हाइड कर सकते हो। तो लपेटने के बाद कुछ लाइट थोड़ा सा लंबा रह गया था तो उसे भी मैंने ऐसे ही जस्ट यहाँ पर ग्रिल पर लटका दिया है। तो ये लाइट का काम यहाँ पर ख़त्म होता है। अभी मैं नेक्स्ट कुछ यहाँ पे लगाऊंगी तो देखते हैं वो क्या मैं यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ DIY किया है वो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी। ये वो DIY है, अगर आपने ये नहीं देखा है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी तो आप वहाँ जाके ये वीडियो देख सकते हैं कि मैंने कितनी सिंपल तरीके से ये DIY किया है। तो यहाँ पर मैं 2-way टेप ले रही हूँ, इसके हेल्प से मैं इसको चिपकाऊँगी। और ये सारी चीज़ें जो मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ बहुत ही बजट फ्रेंडली है और रेंटल फ्रेंडली है। अगर आप रेंट के घर पे रहते हो तो ये बहुत इजीली आप ये सेट कर सकते हो, फिर आप हटा सकते हो। तो सामने जो आपको वो येलो पॉट दिख रहा है गमले के स्टैंड के ऊपर, तो वो भी मैंने DIY किया है। वो आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आगे मैं वैसा कुछ DIY करूँगी तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। कॉर्नर हमारा हो चुका है, अभी मैं दूसरा ये जो कॉर्नर है बालकनी का वो सेट करूँगी। तो पहला कॉर्नर जिसे आप देख रहे थे वो एक तरफ गमला था और एक तरफ गमले का पूरा स्टैंड था जिसपे कुछ पॉट्स रखे हुए थे, और दूसरा जो वो कॉर्नर था वो मैंने डेकोरेट किया। अब मैं उसके ऑपोजिट में ये सेटअप कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं कुछ सीटिंग अरेंजमेंट करूँगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कारपेट डाला है, फिर यहाँ पर एक गद्दा है जिसे कि मैंने इसे फोल्ड करके डाल दिया है, और अब मैं इसके ऊपर बेडशीट डाल दूंगी। तो यहाँ पे आप एक दो चीज़ों का ध्यान रख सकते हो। अगर आप प्लेन बेडशीट ले रहे हो तो आप पिलो कवर या फिर और बाकी चीज़ें जो लोगे वो प्रिंटेड लो। तो यहाँ पे मैंने प्लेन क्रीम कलर का बेडशीट लिया है, और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ अब साड़ी। तो साड़ी मैंने ऐसे ऑरेंज कलर के लिए है। ज़्यादा प्रिंटेड साड़ी लोगे तो आप उतना अच्छा नहीं लगेगा, ऐसे ही सिंपल सी शिफॉन की साड़ी लो आप। तो अब मैं इसका कैनोपी बनाऊंगी यहाँ पे। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ कैमरा ऊपर करके मैंने इसे कैसे सेट किया है। तो यहाँ पे जस्ट ग्रिल में ऐसे मैंने फंसा दिया है इसे, और अब इसे मैं दोनों साइड पे टक कर दूंगी। तो ये जो साड़ी है इसमें बहुत पतला सा बॉर्डर है, तो मैं इसे इस तरीके से टक करूँगी कि ये जो बॉर्डर है वो सामने की तरफ दिखे। आप एक देख सकते हो मैंने एक तरफ वैसे ही टक किया, दूसरी तरफ भी मैं वैसे ही टक कर रही हूँ। तो ये कितना प्यारा सा कैनोपी हमारा तैयार हो गया है। अभी मैं थोड़ा और डेकोरेट करती हूँ इसे।
तो सबसे पहले मैं यहाँ पे रखूँगी कुछ कुशन। मैंने यहाँ पे तीन कुशन लिए हैं और तीनों का जो कुशन कवर का कलर है वो येलो, रेड एंड ग्रीन है। आप एक कलर का भी रख सकते हो, मुझे तीन कलर अच्छे लग रहे थे तो मैंने तीन कलर यूज़ किया यहाँ पे। और अब मैं यहाँ पे ये जो मैंने बॉक्स दिखाया था आपको वीडियो में शुरुआत में ही, तो इस बॉक्स का एक टेबल बनाऊँगी जस्ट फॉर डेकोरेशन। तो बॉक्स के ऊपर आप कोई भी कपड़ा रख सकते हो अच्छा सा, जिसका प्रिंट वगैरह आपके थीम से मैच कर रहा हो। तो मेरे पास ये वाइट कलर का टेबल क्लॉथ था, मैंने पहले इसे इसको लपेट दिया और फिर मैं लास्ट में ये येलो कलर का जो कि बहुत ही ब्राइट लग रहा था उसको रख दिया है। अब मैं इसे थोड़ा बहुत डेकोरेट कर दूँगी। तो ये आर्टिफिशियल प्लांट मैं रख के देख रही थी ये कैसा लग रहा है, पर मैंने यहाँ पे इसे यूज़ नहीं किया, मैंने इसे जो हमारे गमले का स्टैंड था वहाँ पे मैंने फिर इसे बाद में यूज़ किया। ओके, तो मुझे ये लगाते लगाते याद आया कि मैं एक लाइट लगाना भूल गई हूँ, तो अभी मैं सबसे पहले वो लाइट लगा लेती हूँ। मतलब बालकनी मेकओवर हो और फेयरी लाइट ना हो वो कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे ये जो लाइट है ये मैं कैनोपी के ऊपर डालूंगी, मतलब मैंने जो साड़ी यूज़ की है उस साड़ी के ऊपर मैं इस लाइट को लगा दूंगी। और ये प्लेन है, गोल्डन कलर की ये लाइट है, तो ये रात में बहुत ही खूबसूरत लगने वाली है। फिर मैंने यहाँ पे ये जो आप फ्लावर वेज देख रहे हो ये मैंने बनाया है और ये पूरा न्यूज़पेपर का बना हुआ है। इवन इसकी जो बीट्स है वो भी न्यूज़पेपर की है, तो ये भी मैं कभी आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो ये जो मैंने बॉक्स रखा था उसको मैंने इस तरह से डेकोरेट किया, मैंने बहुत कुछ ट्राई किया बट एट द एंड मुझे कैंडल्स ही अच्छे लगे। और ये जो कैंडल है ये भी मैंने बनाया था, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ जो मैंने मेकओवर किया, ये फाइनल लुक है। लेकिन आप आगे वीडियो में आगे ज़रूर बनी रहिएगा, आपको जो मैं नाइट का क्लिप दिखाऊंगी वो इतना सुंदर था, इतना प्यारा था कि आप ज़रूर से ज़रूर ट्राई करोगे। ये जो मेरा बालकनी मेकओवर का वीडियो है वो आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। तो ये रहा मेरा फाइनल लुक और ये आप देख सकते हो कितने सारे डब्बे मैंने कलर किए हैं। एक तो मैंने किसी को गिफ्ट भी किया है, बाकी तीन बचे हैं मेरे पास और आगे मैं ज़रूर और भी करूँगी। और यहाँ पे शुरू हो गई हमारी पार्टी। तो आप देख सकते हो मिष्टी ने अपनी जगह बना ली है, वो हमें से किसी को भी वहाँ पे बैठने नहीं दे रही थी, उसे खुद में ही मज़ा आ रहा था वहाँ पे बैठ के। और यहाँ पे हमारा हो रहा है बारबेक्यू, तो मुकुल यहाँ पे टिक्का सेक रहे हैं बैठ के मज़े में और मैं वीडियो ले रही थी। तो मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, ऑफकोर्स अच्छी लगी होगी, मैंने इतनी मेहनत की है, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।